कहानी की शुरुआत एक सुनवू नाम के खतरनाक आदमी से की जाती है जो एक होटल में बैठकर खाना खा रहा होता है। वह एक बहुत बड़े गैंगस्टर का राइट हैंड होता है जिसे उस होटल में शांति बनाए रखने का काम सौंपा होता है, जहां पर थोड़ी देर बाद एक वेटर उसके पास आता है। वेटर उसे बताता है कि होटल के वीआईपी रूम में एक प्रॉब्लम हो चुकी है जो उसे सुलझाना है, जिसके बाद सुनवू दौड़ते हुए वीआईपी रूम की तरफ जाता है। वहां पर उसे कुछ गुंडे दिखाई देते हैं जो होटल बंद होने के बाद भी वह जगह छोड़ना नहीं चाहते थे। सुनवू ने प्यार से होटल छोड़ने को कहता है पर वह गुंडे मानने को तैयार नहीं थे। आखिर में सुनवू और उसका वह वेटर उन्हें मार मार कर वहां से भगा देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं सुनवू अपने बॉस से मिल रहा होता है। उसका बॉस मिस्टर कैंग होता है जो कि उसकी वफादारी और उसके काम से काफी खुश होता है। फिर मिस्टर कैंग सुनवू से पिछली रात हुए मैटर के बारे में भी पूछता है, पर सुनवू उससे कहता है कि वह मैटर मैंने खुद ही सुलझा लिया था। मिस्टर कैंग उसे बताता है कि वह मिस्टर बेग के आदमी है, पर कैंग को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे सुनवू पर पूरा विश्वास है कि उसने अच्छे से हैंडल कर लिया होगा। बेग यहाँ पर मिस्टर कैंग की तरह दूसरा गैंग है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम मून होता है। वह भी सुनवू की तरह बेग का राइट हैंड होता है, जैसे कि सुनवू मिस्टर कैंग का है। मून वहाँ पर आकर कैंग के सामने बदतमीजी करने लगता है जो कैंग को पसंद नहीं आता और उसे वहाँ से निकाल देता है। उसके बाद मिस्टर कैंग सुनवू को एक लड़की के बारे में बताता है और उस पर नजर रखने को कहता है क्योंकि कैंग उस लड़की को बहुत चाहता है, लेकिन उसे उस लड़की पर शक है कहीं वो लड़की किसी और से डेट तो नहीं कर रही। कैंग उससे कहता है अगर वह किसी और से डेट कर रही है तो तुम उस लड़की और उसके बॉयफ्रेंड दोनों को मार देना, क्योंकि कैंग को झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड झूठ बोलकर किसी और से डेट करे। जिसके बाद सुनवू उस लड़की के घर एक गिफ्ट के साथ जाता है। उस लड़की का नाम यीशु होता है। सुनवू उसे गिफ्ट देता है। यीशु गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद उसे एक कॉल आता है और वह घर से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद सुनवू उसे बताता है कि मिस्टर कैंग ने उसके लिए कार ड्राइव करने के लिए कहा है, जिस पर यीशु उससे कहती है कि मुझे खुद ड्राइव करना पसंद है। और सुनवू उसे अपनी कार की चाबी देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद जरूर करना। जिसके बाद सुनवू कैंग के कहे मुताबिक यीशु पर नजर रखने लगता है। वह उसकी हर छोटी बड़ी एक्टिविटी पर नजर रख रहा होता है। यीशु पर नजर रखने के बाद सुनवू एक होटल में मून से मिलने आता है। मून उसे बताता है कि तुमने उस रात जिन लोगों को मारा था उसका गैंग लीडर मुझे बार बार तुम्हारे बॉस को उसके पास लाने को कह रहा है। जिसके बाद मून के फोन में दोबारा फिर से बेग का फोन आता है और इस बार सुनवू उसका कॉल उठाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें मिस्टर कैंग से मिलना है तो तुम्हें उनके पास आना होगा, वह तुम्हारे पास नहीं आएंगे। इतना बोलते ही वह कॉल काट देता है। मिस्टर बेग के बिना कुछ बोले ही कॉल कटने पर उसके आदमी हंस रहे होते हैं, जो देखकर मिस्टर बेग अपने आदमियों को बहुत मारता है। अगली सुबह सुनवू को यीशु का कॉल आ रहा होता है और वह उसे जल्दी से जल्दी अपने पास बुलाती है, जहां पर हम देखते हैं यीशु और सुनवू दोनों खाना खा रहे होते हैं और बातें करते करते यीशु सुनवू से पूछती है कि तुम क्या काम करते हो, जिस पर सुनवू उसे बताता है कि मैं मिस्टर कैंग के लिए उनके होटल में काम करता हूँ। यीशु को कैंग से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सुनवू एक स्कैरी आदमी है, पर यीशु को सुनवू इतना भी स्कैरी नहीं लगता। वह सुनवू को अपने साथ म्यूजिक की क्लास में लेके जाती है और जब तक उसकी क्लास चल रही है वह सुनवू को क्लास में बैठने के लिए इन्वाइट करती है, जहाँ पर सुनवू उनके म्यूजिक को इंजॉय कर रहा होता है। जिसके बाद सुनवू को मिन का कॉल आता है और वह उसे बताता है कि कोई उसका इंतजार होटल में कर रहा है। जब वह होटल में पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पर उसका इंतजार कोई और नहीं खुद मिस्टर बेग कर रहा होता है। मिस्टर बेग वहां पर सुनवू से माफी मंगवाना चाहता था, पर सुनवू उससे माफी मांगने से मना कर देता है और वहां से कहीं निकल जाता है, जहां उसे यीशु को पिकअप करने जाना था। पर वहां पहुंचकर वह देखता है कि यीशु ने अपने बॉयफ्रेंड को उसे पिकअप करने के लिए बुला लिया होता है और सुनवू उन्हें सीक्रेटली फॉलो भी करता है। वह देखता है यीशु का बॉयफ्रेंड उसे उसके घर के गेट के आगे छोड़ता है और वहां से चला जाता है और सुनवू भी वहां से जाने लगता है। जाते जाते उसकी कार दूसरी कार से टकरा जाती है। वह देखता है कि ये तो वही कार है जिसने यीशु को ड्रॉप किया था। तभी सुनवू को शक होता है और वह दोबारा यीशु के घर जाता है और वह देखता है वहां पर वही आदमी होता है, जिसे देखकर सुनवू उसे मारने लगता है। और जैसे उसके पास आगे बढ़ता है तो यीशु उसे रोक देती है और सुनवू ये सब मिस्टर कैंग को बताने के लिए कॉल लगाता है। पर तभी वह देखता है यीशु काफी डरी हुई है और वह सोचता है कि जैसे वह मिस्टर कैंग को बताएगा तो वह इन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देगा। जो सोचने के बाद वह उन दोनों से कहता है कि तुम मुझे साथ में मत दिखना, वरना मिस्टर कैंग के कारण मुझे तुम दोनों को मारना पड़ जाएगा। फिर सुनवू वहां से अपने अपार्टमेंट की तरफ लौटता है, जहां पर उसे कुछ गुंडे परेशान करते हैं। पर वह उन्हें सबक सिखाने के बाद वह अपने अपार्टमेंट के पार्किंग की तरफ आता है, जहां पर उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम संग होता है। वह उससे कहता है कि तुम्हें मिस्टर बेग से माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। पर सुनवू उसकी इन धमकियों से नहीं डरता और संग को वहां से जाने के लिए कहता है। अगली सुबह हम देखते हैं मिस्टर कैंग जो कि अपनी संगाई की ट्रिप से वापस आ चुका होता है। वह हिस्सों के पास जाता है। कैंग हिस्सों से उसके उदास होने का कारण पूछता है। हिस्सों उसे बताने से मना कर देती है और वह उसके साथ अपने रिलेशनशिप को खत्म करना चाहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं सुनवू अपने ख्यालों में गुम लाइट्स को ऑन ऑफ कर रहा होता है, पर तभी उसके अपार्टमेंट में कुछ गुंडे घुस जाते हैं जो कि मिस्टर बेग के गुंडे होते हैं। वे लोग सुनवू को बहुत मारते हैं और आखिर में उसे किडनैप करके मिस्टर बेग के पास लेके जाते हैं। मिस्टर बेग उसे बहुत टॉर्चर करता है, पर मिस्टर कैंग उसे किसी तरीके से बचा लेता है और उसे वहां से जाने के
लिए कहता है, जिसके बाद सुनवू को रोड के साइड में फेंक दिया जाता है। फिर वहाँ पर मिस्टर कैंग और उसके आदमी आते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने मुझे हिसू और उसके बॉयफ्रेंड के होने की बात क्यों नहीं बताई। यहाँ पर मिस्टर कैंग को सारी बात पता चल चुकी थी। वह उससे कहता है तुमने उसके बॉयफ्रेंड को जिंदा कैसे जाने दिया। जिस पर सुनवू उससे कहता है कि मैंने उसके बॉयफ्रेंड को बहुत मारा था और उससे कहा था कि तुम मुझे दोबारा कभी मत दिखना, जो मुझे सही तरीका लगा इस प्रॉब्लम से निपटने का। पर मिस्टर कैंग उससे कहता है नहीं, तुमने उसे इसलिए जाने दिया क्योंकि तुम्हें हिसो पसंद आने लगी थी और उसे तुम दुखी नहीं देखना चाहते थे। मिस्टर कैंग सुनवू को जान से मार देना चाहता था, जिसके लिए वह मून को सुनवू को टॉर्चर करने का ऑर्डर देता है, जिसे वह खुशी खुशी मान लेता है। और टॉर्चर करने के बाद सुनवू को एक वेयर हाउस में लेके जाता है, जहाँ पर मून सुनवू से कहता है कि तुम आखिरी बार मिस्टर कैंग से कॉल करके पूछ लो कि तुम्हें मारना है या जिंदा छोड़ना है। सुनवू यहाँ पर मिस्टर कैंग को कॉल करने का नाटक करता है और चालाकी से वहाँ के सारे गुंडे साथ ही मून को भी मार देता है और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। सुनवू के भाग जाने की बात सुनकर मिस्टर कैंग को बहुत गुस्सा आता है, वह उसे हर हाल में मारना चाहता था। अगले ही सीन में हम देखते हैं सुनवू अपने एक खास असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो मिस्टर कैंग का ग्रुप छोड़ दो क्योंकि मैं उसे मारने आ रहा हूँ। जिसके बाद सुनवू एक डीलर के पास जाता है जो गन्स की सप्लाई किया करते हैं। वह उनके पास पहुंचकर उनसे गन्स के लिए कहता है, पर वह लोग उसे गन्स देने से मना कर देते हैं क्योंकि वे लोग सिर्फ बड़े गैंगस्टर्स को ही गन्स की सप्लाई करते हैं। जिस पर सुनवू उन्हें बताता है कि वह मिस्टर कैंग का ही आदमी है, जो सुनते ही वह गन डीलर अपने बॉस के पास लेके जाता है, जहाँ पर सुनवू उसे कहता है कि वह मिस्टर कैंग का आदमी है और प्रूफ के लिए उसके टेबल पर अपना बिजनेस कार्ड भी रख देता है और कहता है कि मिस्टर कैंग ने ही इन गन्स को मंगाया है। जिसके बाद वे लोग उसे गन्स देने लगते हैं और उन डीलर का बॉस ये कन्फर्म करने के लिए मिस्टर कैंग को कॉल लगाता है, पर उसे पता चलता है कि सुनवू अब उसके गैंग का मेंबर नहीं है। जिसके बाद सुनवू वहाँ के सभी लोगों को मार देता है और गन्स लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं उसी जगह पर एक आदमी आता है जिसका नाम ताय होता है, जो उस गन डीलर के बॉस का छोटा भाई होता है। वह टेबल पर सुनवू का बिजनेस कार्ड देखता है और समझ जाता है कि सुनवू ने इन सबको मारा है। इसके बाद हम देखते हैं सुनवू मिस्टर बेग के आदमी संघ के पास जाता है और उसके सर पर गन पॉइंट करके उससे मिस्टर बेग के बारे में पूछता है, जो संघ उसे डर के मारे बता देता है। सुनवू मिस्टर बेग का पता जानने के बाद मिस्टर बेग के पास जाता है, जहाँ पर वह उससे कहता है कि मैं मिस्टर कैंग को मारने से पहले तुझे खत्म कर दूंगा। पर मिस्टर बेग धोखे से एक चाकू निकालता है और सुनवू पर कई बार वार करता है, पर उसे नहीं पता था कि सुनवू के पास गन है और वह मिस्टर बेग को शूट कर देता है। जिसके बाद सुनवू मिस्टर कैंग के पास जाता है और उसके पास पहुंचने से पहले उसे कॉल करता है, उसे कहता है कि तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। जो सुनने के बाद मिस्टर कैंग थोड़ा डर जाता है और अपनी सिक्योरिटी को और टाइट कर लेता है और अपने आदमियों को रेडी रहने के लिए कहता है, जिसमें मून भी शामिल है। फिर सुनवू मिस्टर कैंग के होटल के सामने पहुंचता है और जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है वह सबको मारता चला जाता है, जहां पर उसे रोकने के लिए मून भी उसके सामने आता है और एक चाकू निकालता है, पर सुनवू उसे गन से शूट कर देता है और बाकी सभी गार्ड्स को मारते हुए कैंग के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा ही लॉयल रहा हूं। तुमने हमेशा से ही मुझे एक डॉग की तरह ट्रीट किया है, वो भी एक छोटे से मैटर के लिए तुमने मुझे मारना चाहा क्यों। जिस पर कैंग उससे कहता है कि क्योंकि तुम हिसू से प्यार करने लगे थे और मैं ये नहीं चाहता था। पर सुनवू उससे कहता है कि हाँ, मैं उससे प्यार करने लगा था पर उसे पाना नहीं चाहता था क्योंकि मैं तुम्हारा वफादार था। जिसके बाद वह कैंग को शूट कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर मिस्टर बेग के लोग आ जाते हैं और वह सुनवू को शूट करने लगते हैं। सुनवू घायल हो जाता है पर अभी भी उसकी सांसें चल रही होती है। वह दोबारा खड़ा होकर उन सभी को मारने लगता है। इसी शूट आउट के बीच सुनवू काफी जख्मी हो जाता है। आखिर में वहाँ पर गन्स डीलर का भाई ताई वहाँ पर आ जाता है और बाकी बचे बेग के गुंडों को मार देता है। वहाँ पर सुनवू अधमरी हालत में यीशु का एक गाना सुनाई दे रहा होता है, जिसे सुनकर वह पहली बार मुस्कुराया था। जिसके बाद ताई सुनवू को भी मार देता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।